और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल जो उसकी भूमिका है वो मिडिल क्लास हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है उस पर हमने कई बार चर्चा की, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा अगली स्लाइड पर आए। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम, आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख, और इसको तीन अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, एक मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसी बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकते हैं? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए, क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी, ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई, 422% इंक्रीज इन द सैलरी गिवन बाय आईसीआईसीआई बैंक टू द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी।
4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में।